दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ए फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, किसी शेप को ग्रेडियंट में कन्वर्ट करना हो तो यह कोई भी बड़े आसानी से कर सकता है। समस्या तब होती है कि जब किसी इमेज में ग्रेडियंट का इफेक्ट आपको दिखाना हो, यह कैसे किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में एक बहुत खूबसूरत सा एनिमेशन भी सिखाऊंगा और मुझे यकीन है कि यह जो एनिमेशन है आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पावर पॉइंट की स्लाइड से एक इमेज बनाई हुई थी, तो यहाँ पर हम लोग उसी इमेज को लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट के ऑप्शन पर चले जाते हैं और इस इंसर्ट टैब को क्लिक करने के बाद पिक्चर ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पिक्चर ऑप्शन में जाकर हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पर, और हमने अपने नाम से सेव किया हुआ था। यहाँ पर आपको जो हमने इमेज अपने पिछले वीडियो में बनाई थी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। हम इस इमेज पर क्लिक कर लेते हैं। अब यह इमेज हमारे इस ब्लैंक स्लाइड पर आ चुकी है। दोस्तों, हम अपनी इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर राइट क्लिक करते हैं, चलते हैं फॉर्मेट पिक्चर पर। अब यदि आप यहाँ पर जाएंगे और ग्रेडियंट ऑप्शन लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी ग्रेडियंट कार्य नहीं करेगा। तो अब इस पर ग्रेडियंट वर्क कैसे करें? तो दोस्तों, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। होम टैब में सेव बॉक्स के ऊपर यहाँ पर एरो की बटन पर आप क्लिक कर दें। एरो की बटन पर क्लिक करते ही इस तरह से एक मैसेज बॉक्स आपको दिखाई देने लगेगा जिसमें कई तरह के सेव आपको दिखाई देंगे। यहाँ रेक्टेंगल्स में पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल का, इस सेव को सेलेक्ट कर लीजिए और जितने एरिया को हाइड करना चाहते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लेकर और एक रेक्टेंगल आप बना लें। जब आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाता है तो इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब को आपको क्लिक करना है और फॉर्मेट टैब में क्लिक करने के बाद शेप आउटलाइन में जाकर और नो आउटलाइन सेलेक्ट कर देना है। इसका फायदा यह होगा कि इस शेप से जो आउटलाइन बनी हुई थी वह हट गई है। अब हम जाते हैं फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो ये फॉर्मेट शेप का ऑप्शन हमने पहले से ओपन कर रखा है, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं कि फॉर्मेटिंग ऑप्शन को कैसे ओपन किया जाता है तो इसके लिए इस शेप के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिल ऑप्शन में ग्रेडियंट को सेलेक्ट करना है और ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट ग्रेडियंट्स में आप जाएं और यहाँ से यह जो तीसरा ऑप्शन है टॉप स्पॉटलाइट एसेंट 3, इसको सेलेक्ट कर लें। टाइप्स ऑप्शन में आपको जाना है और लाइनर को सेलेक्ट कर लेना है। डायरेक्शन ऑप्शन में जाकर यह चौथा ऑप्शन लाइनर राइट, इस ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है और इसके बाद यह सबसे लास्ट वाला जो तीसरा स्टॉप है इस तीसरे स्टॉप पर क्लिक करके और यहाँ नीचे कलर्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बॉक्स में कई तरह के कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको इनमें से किसी भी कलर को चूज नहीं करना है। आई ड्रॉपर टूल को आप सेलेक्ट कर लें और इसके बाद जो इमेज आपकी है उस इमेज के बैकग्राउंड के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दें। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि आपकी इमेज की जो बैकग्राउंड है वही बैकग्राउंड इस रेक्टेंगल पर दिखाई देगी, जिससे व्यूअर को यह धोखा हो जाएगा कि यहाँ पर वह इमेज का ही एक हिस्सा कटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस हिस्से का क्या किया जाए। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉप है इस पहले स्टॉप को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे कर लेते हैं। यहाँ आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगा, तो पहले स्टॉप पर आप 100% ट्रांसपेरेंसी लगा दीजिए। अब बाहर क्लिक करके अगर आप देखते हैं तो आपको यह जो इमेज है इसमें ग्रेडियंट इफेक्ट आपको नजर आने लगेगा। यहाँ पर यदि आप चाहते हैं इसको थोड़ा कम या ज्यादा करना तो यहाँ से दूसरे स्टॉप को कम या ज्यादा करके आप अपने इच्छा अनुसार इस ग्रेडियंट का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इस रेक्टेंगल के इस एंगल को पकड़कर आगे पीछे करके भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह ग्रेडियंट इफेक्ट लगाने का तरीका आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि एक मजेदार और छोटा सा एनिमेशन भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यह छोटा सा एनिमेशन है, इमेज को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आप यह जो रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद एनिमेशन ऑप्शन पर आप चले जाएं। अपने जरूरत के अनुसार जो चाहे वह एनिमेशन लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ वाइप एनिमेशन को। और वाइप एनिमेशन को सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्रॉम लेफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए होगा क्या। अब जैसे ही आप इसके प्रेजेंटेशन को आप देखेंगे, यह देखिए लगाना खूबसूरत। तो इस प्रकार से नए नए प्रयोग करके आप अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अपने दोस्तों को अचंभित कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और साथ में आपको बेल आइकन जरूर क्लिक करना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन, उस पर कर दें एक जोरदार क्लिक और निश्चित रूप से आपके दोस्तों को, आपके अपनों को इस वीडियो में दी गई जानकारी होनी ही चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं यह जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंचे, आपके अपनों तक पहुंचे, तो इस वीडियो के नीचे जो शेयर की बटन बनी है उस पर क्लिक करके अपने सोशल अकाउंट के साथ, अपने दोस्तों, अपने अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को देखकर, हमारे इस चैनल को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।